नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आइए फिर हम लोग देर ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बक कन्वर्टर के बारे में कि ये बक कन्वर्टर जो है वो कैसे काम करता है और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है? तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो बक कन्वर्टर होता है ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर की फैमिली को बिलोंग करते हैं ये सब। और ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा बक कन्वर्टर और एक होगा बूस्ट कन्वर्टर। तो दोस्तों ये जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये होता क्या है? ऐसा कन्वर्टर जिसके इनपुट में भी, मतलब ऐसा समझिए वहाँ पर हम लोग जो इनपुट देंगे वो भी डीसी होगा और जो हमको आउटपुट मिलेगा वो भी हमको डीसी मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है? और इसमें दो प्रकार होंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर में, एक होगा बक कन्वर्टर और एक होगा बूस्ट कन्वर्टर। तो जो बक कन्वर्टर होगा वो स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज को ये कम करेगा। आपका जो इनपुट वोल्टेज होगा, इनमें जो वोल्ट होगा आपको, वो वोल्टेज को वो डाउन कर कर आपको कम करेगा और कम करने के बाद आपको आउटपुट देगा, ठीक है? तो ये वोल्टेज हमको कम मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बक कन्वर्टर। जो वोल्टेज, एग्जांपल के लिए आप मानिए मैंने यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट इसको इन किया है और ये मुझे आउटपुट में जो है अगर 3 वोल्ट या फिर ऐसा मानिए 5 वोल्ट या फिर और कोई वैल्यू जो है 1.8 आपको अगर आउटपुट दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कि बक कन्वर्टर के थ्रू ये आउट डाउन किया गया है। तो ये एक स्टेप डाउन जो है कन्वर्टर होता है जो दिए गए इनपुट वोल्टेज को डाउन करके हमको आउटपुट में देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बक कन्वर्टर। इसी में डीसी टू डीसी कन्वर्टर का एक और जो रूप है वो भी हम लोग जान लेते हैं, वो होता है बूस्ट कन्वर्टर। तो बूस्ट कन्वर्टर का क्या उपयोग है वो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इन होगा उस वोल्टेज को अगर हम लोग हाई करेंगे, ऊपर बढ़ा देंगे और आउट में हमको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो उसको हम लोग बूस्ट कन्वर्टर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मानकर चलिए आपने यहाँ पर इनपुट में आपने 12 वोल्ट दिया है, प्लस 12 वोल्ट अगर ये सर्किट काम करेगा और आउट में आपको 24 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो होगा वो होगा बूस्ट कन्वर्टर जो वोल्टेज को बढ़ाता है। तो दोस्तों हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बक कन्वर्टर। तो मैं आपको इजी से इजी मेथड बताऊंगा कि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकें कि ये सर्किट कैसा काम करता है, और इसीलिए मैंने इसका जो है बेसिक जो डायग्राम है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है? कहते हैं दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या क्या है इस सर्किट में, एक लगा हुआ है मॉस्फेट, यहाँ पर एक मॉस्फेट आप देख सकते हो जिसका हम लोग यूज़ करेंगे स्विचिंग कराने के लिए, ठीक है? और एक लगा हुआ है डायोड, ठीक है, ये आपका डायोड है डी। एक लगा हुआ है कॉइल, यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है एक। और यहाँ पर एक सी, मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है। और लोड, मतलब ये है आपका आउटपुट, ठीक है? आउटपुट जो हम लोग को जो भी लोड लगाना है वो यहाँ पर लगेगा इसका, जहाँ से लोड मतलब समझ जाइए जो इस वोल्टेज को उपयोग करने वाला है, इस आउटपुट वोल्टेज को जो यूज़ करेगा उसको हम लोग लोड कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये RL जो लिखा जाता है, मतलब लोड किसको कहते हैं? तो लोड का आप मतलब समझिए कि जो आउटपुट में बनने वाले वोल्टेज को यूज़ करने वाला है, जो उसको ग्रहण करेगा और जो उसका यूज़ करेगा उसको हम लोग लोड बोलते हैं, ठीक है? और इसी को हम लोग RL से शो करते हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग अब इस सर्किट को उपयोग देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हम लोग एक मॉस्फेट का उपयोग करते हैं और इसमें हम लोग यहाँ से इसको VCC का जो प्लस वोल्टेज है वो यहाँ से इन करा देते हैं और इसकी जो स्विचिंग है वो इस गेट के माध्यम से हम लोग कराते हैं, ठीक है? और निगेटिव को आप देखिए वो यहाँ से गया हुआ है डायरेक्टली। सर्किट के अंदर एक कॉइल भी आएगा हमारे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर देखिए इस पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू हम लोग इसको जो है थ्रू जो है हम लोग स्विचिंग कराएंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल ये मानकर चलते हैं कि ये जो हमारा मॉस्फेट है वो ऑन कंडीशन में है, इसको हम लोगों ने ऑन कराया है। ऑन कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ से देखिए ये जो यहाँ से आने वाला जो VCC था, जो प्लस वोल्टेज था, वो यहाँ से जंप कर आगे पास हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये ऐसे जंप हो जाएगा और आगे पास हो जाएगा। इसके पास में जाने का देखिए अभी फिलहाल एक ही माध्यम है, क्योंकि यहाँ जो डायोड लगा है वो रिवर्स बायस में लगा हुआ है,
तो करंट का फ्लो यहाँ से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये वोल्टेज आगे जाएगा और इस इंडक्टर कॉइल पर जाएगा। इंडक्टर कॉइल की खासियत होती है ये अपने जो अंदर जो है चार्ज कर स्टोर करके रख सकता है, और दूसरी एक खासियत होती है कि ये जो रहता है करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर इसमें वोल्टेज में कोई भी चेंजेस आएंगे, एम्पियर में चेंजेस आएंगे, तो इसका वो अपोज करेगा, उसको वो विरोध करेगा, ठीक है। तो जिस कंडीशन में अभी यहाँ पर ये स्विच ऑन हुआ है तो करंट का फ्लो इसके अंदर से होकर जाने लगेगा और इसके अंदर एक प्रकार का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस प्रकार से जनरेट होने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से इसके अंदर जो है ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर बनने लगेगा। और इसके अलावा ये जो वोल्टेज है, देखिए पहला यहाँ पर तीन चीज़ें एक साथ काम हो रही है। सबसे पहले तो करंट इसके अंदर से गुजर कर जा रही है जिसका वो अपफोर्स करता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। दूसरा, वो इस वोल्टेज को रोकता नहीं है, वो यहाँ पर पास भी कर देता है। और ये वोल्टेज देखिए यहाँ से दो भागों में बढ़ जा रही है, एक भाग यहाँ से जो लोड है उसके तरफ चले जा रही है और जो दूसरा भाग है वो इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए भी चला जा रहा है। और ये कैपेसिटर जो है बूस्ट हो रहा है, चार्ज हो रहा है, यहाँ पर चार्जिंग हो रही है इसमें। और इसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारा पहला, जब ये सिस्टम को हम लोगों ने ऑन किया है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जो आया पल्स, अगला पल्स आया उसके थ्रू हम लोगों ने गेट को जो सिग्नल देना बंद कर दिया, निगेटिव आया, तो ये हो गया ऑफ कंडीशन में। और जैसे ही ये ऑफ हुआ तो ये जो सप्लाई है वो यहाँ से कट हो जाएगी, ये सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो गई, यहाँ से अब कोई सिस्टम नहीं है इसको सप्लाई जाने का। और जब ये सिस्टम बंद हो जाएगा, यहाँ का सिस्टम अब कोई काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ से जो वी इन हो रहा था अब वो सिग्नल, यहाँ से जो वोल्टेज था वो जाना बंद हो जाएगा। अब मेन चीज़ समझिए, बक कन्वर्टर का मेन रोल यहाँ से शुरू होता है, जब यहाँ का जो इनपुट सोर्स वाला वोल्टेज है वो जाना यहाँ से ब्रेक हो जाता है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट हो चुका है। अब वोल्टेज कम होने के कारण ये जो है वोल्टेज, यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना हुआ है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स बने हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो उस कंडीशन में कॉइल के अंदर वोल्टेज जनरेट होंगे। और वो वोल्टेज जो है, देखिए अभी फिलहाल फर्स्ट कंडीशन पे यहाँ से जो सप्लाई जा रही थी, तो यहाँ पर पोलैरिटी भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लस था तो यहाँ पर भी ऑन की कंडीशन में, देखिए हम लोग फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा प्लस, और यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा माइनस। लेकिन जब सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब ऑफ वाली कंडीशन अप्लाई होती है, तो यहाँ पे जो है पोलैरिटी चेंज हो जाती है और यहाँ पर हमको मिलता है माइनस और यहाँ पर हमको मिलता है प्लस। देखिए पोलैरिटी अब शिफ्ट हो चुकी है और ये जो है इसके अंदर ये स्ट्रिंग जो है वो गिरने लगी है, मतलब ये शंकु जो है वो छोटे सिकुड़ने लगा है, ठीक है, ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर फिर से इसकी खासियत है, इंडक्शन कॉइल की जो कॉइल, यहाँ पर जो कॉइल लगा हुआ है इसकी खासियत होती है, जब इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स सिकुड़ेगा तो यहाँ पर ये अपने अंदर जो चार्ज स्टोर है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। तो अभी आप देखिए यहाँ से जब ये वोल्टेज को रिलीज़ करेगा तो अब ये एक प्रकार की बैटरी के जैसा काम करने लगेगा। देखिए ये एक वोल्टेज सोर्स बन चुका है, ये क्या बन गया है, वोल्टेज जो है ये सोर्स जैसा एक बिहेव करेगा। और यहाँ से जो अपने अंदर इसने वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर करके रखा है, ये आगे पास करेगा जो वोल्टेज था वोल्टेज सोर्स के जैसा, जैसा एक ये बैटरी है ऐसा समझिए। और इस बैटरी के माध्यम से ये जो सप्लाई है वो आगे जाएगी और वो इसको भी चार्ज करने पे लगाएगा और यहाँ लोड को भी सप्लाई देगा यहाँ से, ठीक है। और ये जो हमारा लोड है यहाँ पर इसको सप्लाई मिल जाएगी वर्क करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बक कन्वर्टर जब काम करता है तो हम लोग इसकी ऑफ कंडीशन का उपयोग करते हैं और ये कॉइल के द्वारा ये ऑपरेट होता है। देखिए तो उस समय जो यहाँ पर सिक्वेंस बनता है वोल्टेज का वो इस प्रकार से बनता है और यहाँ से होकर इसकी जो है निगेटिव ये डायोड के माध्यम से इस जगह पे पहुँच जाती है और हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें समझने की जो मेन बात है वो ये है कि जब हम लोग बक कन्वर्टर का उपयोग करते हैं तो बक कन्वर्टर में
इसके ऑफ कंडीशन का उपयोग किया जाता है, ऑन कंडीशन का नहीं। दोस्तों अगर ऑन कंडीशन करेंगे तो अगर यहाँ पर बक कन्वर्टर पे आप 12 वोल्ट इन करा रहे हो तो 12 वोल्ट ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। जब हम लोग इस सप्लाई को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पर जो स्टोर होने वाले एनर्जी, स्टोर होने वाले वोल्टेज का हम लोग जब यूज़ करते हैं एक वोल्टेज सोर्स के समझकर मानकर, तो वो वोल्टेज जो है इससे कम होता है और इसीलिए यहाँ पर हमको सप्लाई कम मिलती है, जैसे कि 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट या 1.8 वोल्ट, इस प्रकार की जो सप्लाई हमको अवेलेबल होती है। तो उसका जो मेन रीज़न रहता है ये इंडक्शन कॉइल, जो कि वोल्टेज सोर्स के जैसा काम करता है, और ये कितनी सप्लाई जनरेट करेगा वो डिपेंड करता है यहाँ पर PWM IC, पल्स विथ मॉड्यूलेशन IC के थ्रू जनरेट होने वाले इस पल्स के ऊपर। मतलब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ऑन और ऑफ का जो टाइम रहेगा, जिसके अनुसार ये इस MOSFET को ऑपरेट कराएगा और इसी के स्विचिंग के ऊपर निर्भर करेगा कि हमको आउटपुट से कितने वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही है आज का वीडियो। एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो वोल्टेज है हम लोग जो बक कन्वर्टर में यूज़ करते हैं वो उपयोग किया जाता है इस कॉइल के द्वारा बनने वाले वोल्टेज सोर्स के द्वारा, उसको हम लोग यूज़ करते हैं लोड वोल्टेज को देने के लिए। और ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा वोल्टेज सोर्स बनेगा वो कितने वोल्ट का बनेगा वो डिपेंड करता है इस MOSFET के ऊपर और MOSFET की स्विचिंग के ऊपर, और MOSFET की स्विचिंग डिपेंड करती है इसके गेट को दिए जाने वाले पल्स के ऊपर। मतलब ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन IC जो लगी हुई है इसके द्वारा ऑन ऑफ इसको कराया जाएगा, तो इसके ऑन ऑफ की स्पीड के ऊपर, मतलब हम इसको कितने देर के लिए ऑन कर रहे हैं और उसको कितने दिन के लिए ऑफ कर रहे हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा ये हमारा MOSFET की स्विचिंग, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगली वीडियो मैं किस सब्जेक्ट पे बनाऊं। दोस्तों मैं कंटिन्यू आपको अब एजुकेट करने वाला हूं। जो जानते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन जो नहीं जानते, जो इस फील्ड में नए हैं और वो अगर इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो उनके लिए ही मैं ये वीडियो कंटिन्यू अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल्स के साथ जुड़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा आपको पसंद आता है, मेरे समझाने के तरीके से आप खुश हैं, तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, वीडियो देखकर उसे छोड़कर ना चले जाएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।